माइक है? नहीं, अच्छा आप रख लोगे? ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी, आज मैंने कुछ अलग किया है बालों के साथ। यूजुअली आई हैव वेरी कर्ली हेयर, बट मुझे लगा कि मैं गोदरेज के साथ हूँ यहाँ पर और मैं सेफ हैंड्स में हूँ, सो आई विल लेट द गोदरेज एक्सपर्ट्स डू देयर मैजिक ऑन माय हेयर। वी कैन कॉल इट फैशनेबल डॉक्टर ईरम लुक, बिकॉज ऐसा से कुछ बाल हमने डॉक्टर ईरम के लिए भी करे थे फ्लैशबैक में, स्ट्रेट करके थोड़ा सा कर्ल करके। आई फील वेरी डिफरेंट, ऑनेस्टली आई एम नॉट यूज टू हैविंग कर्ली हेयर, बट आई एम फीलिंग वेरी गुड टू। थैंक यू। मैं तभी वर्कआउट करती हूँ ताकि मैं ऐसे हैवी हैवी कॉस्ट्यूम पहन के डांस कर सकूँ। कह सकते हैं जी, बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे स्पेशल तब लगता है व्हेन पीपल कॉल मी डॉक्टर ईरम या डॉक्टर डॉक्टर, तो उससे बड़ी वैलिडेशन कुछ नहीं हो सकती कि आप बाहर जाओ और आपको लोग आपके कैरेक्टर के नाम से बुला रहे हैं। आई थिंक एक्टर के लिए ये सबसे बड़ी वैलिडेशन यही होती है। मेकअप, अगर मैं बाहर जा रही हूँ, आई एम वेरी लकी, आई हैव अ वेरी टैलेंटेड टीम। आई हैव नताशा मथायस हु डज माय मेकअप एंड हेयर। और अगर मैं ऐसी बाहर जा रही हूँ तो मैं अपने घर मैं भी अच्छा मेकअप कर लेती हूँ। हाँ जी, सैम बहादुर आने वाली है कुछ ही महीनों में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ फिल्म को लेकर। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेघना गुलजार मैम के साथ काम करने का मौका मिला। आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी हाउ गुड विक्की कौशल इज़ एज सैम मानेकशॉ। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे को मैं कल ही किसी से बात कर रही थी। आई नो समवन हु सॉ द फिल्म यस्टरडे एंड थिएटर पूरा फुल था, तो जब मुझे पता चला कि थिएटर अभी तक खुला, आई वॉज रियली हैप्पी एंड आई एम प्लानिंग टू गो वॉच इट अगेन। हाँ जी, नेचुरल ब्यूटी टिप्स, आई थिंक सबसे पहले होगा कि अगर आप अंदर से खुश हो ना तो वो दिखता है, तब आपको मेकअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तब आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सो इफ़ यू आर मेंटली ऑल ओके एंड यू फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, देन इट रियली हेल्प्स। सो थैंक यू सो मच। चल भाई कट।